अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी बिरहा गायक मुन्ना लाल यादव व पूरी पार्टी की ओर से वीरेंद्र भैया की देखरेख में ये बिरहा संतों की महिमा पेश करत हैं। हमके आशा ना बल्कि पूर्ण विश्वास बा कि जैसे आप लोग हर कलाकारन के प्यार दुलार देहिला, उहे प्यार दुलार हमहू के मिली। ये बिरहा एक ऐसन संत का बिरहा बाम आसाराम बापू ना, नारायण साईं ना, बल्कि एक ऐसन संत का बिरहा बाम जवन संत ये दुनिया में अइलन आ अपने मृदुल अमृत बाणी से ये दुनिया के ना बल्कि ये समाज के एक नया राह, एक नया सोच प्रदान कइलन। चार लाइन बिरहा के अंदर भूमिका कवि बड़ी ऊंची लाइन में लिखत हूं, कैसे कैसे संतों की सेवा परम शांति दे परम पद का मौका अभी संतई से संत का होले, उनकर महिमा का होले। बिरहा में भाव लिखल गल, तर्ज का नमूना मास्टर गीत का लाइन बा, केरे आंख से छलका आंसू, आंख से छलका आंसू जा टपका शराब में, बात। अरे संतों की साधना ही, संतों की साधना ही धरती की है धरोहर, का शुरुआत हो गई।
अरे संतों के कर्म फल से संसार चैन पाता, भक्ति से झुक गए शिव विष्णु झुके विधाता। संतों ने डूबी कश्ती को पार कर दिया, भव सिंधु से हर जीव का उद्धार कर दिया। पावन नगर थी मथुरा के उदय सिंह राजा, संपूर्ण सुख अमन था समृद्धि करो ताजा। माया के बसी भूत हो सत्कर्म भुला बैठे, संतों की दूर सेवा सत्ता के मद में ऐठे। अब हेलना सब संतों की एक संत जब सुना है, मथुरा प्रभु के नगरी चलना है पथ चुना है। ए बाबू बतावल जाला कि संतन के संरक्षण में जे जाला ओकर नैया भव से पार हो जाले। ई कहानी मथुरा से लेवल गई बा। मथुरा का राजा जेकर नाम उदय सिंह बतावल गई, उदय सिंह प्रजा के प्रति इंसान ना बल्कि भगवान हुआ। लेकिन कमी एक के बा, कमी उ बाम कि दरबार में केहू का सेवा ना हो। कुछ संत दरबार में पहुंचल हुआ, अब पहुंच करके कुछ मांगल का उम्मीद लेके पहुंचले तो सत्कार ना पौल, अनादर मिलल। उ संत जाय के एक संत से कहल, और जब उ संत सुनले हुए अपने तपो बल से जोग माया से जब देखले हुए तो सोच गई ना, ओ हो राजा तो बड़ा धर्मात्मा हुए लेकिन अपने पद से विमुख हो गए हुए। उपदेश देने के लिए बाबा चले हैं, सही रास्ता दिखाने के लिए राजा को चले हैं। जब चले हैं तो कौन भेष में चलल हुए, ये बिरहा में तर्ज लग गई गुरु जी। वह गीत का लाइन बाप कि अरे बदनाम हो कजरवा, सतनामी हो चादरिया, भेसवा भिखारी के बना के संत जोगिया चलल भूप दरबार। अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन मुख से रहा उचार हो चदरिया, सतनाम हो चदरिया। बाबा चलल हुआ वो दरबार में, और जब चलल हुआ तो अलख निरंजन का आवाज दलन है, आवाज कान में तीर की भांति लगल बा। राजा उदय सिंह घबराए गई ना, सोचे थून की अरे राम रे राम, ऐसन आवाज अब ही तक एक परिवार में सुनाई दहलस ना। राजा सिंहासन छोड़ करके जब बाहर अलन है ये भैया देखल एक
जोगी बाबा द्वार पर खड़ा हुआ और जब देखल तो का देखल तन की रोशनिया बिखेरे ले चदनिया देख राजा नेत्र पसार तन पर इतना रोशनी बा मुख पर इतना तेज बा कि हैरान हो गई आय हाय संत तो बड़ा देखली लेकिन ऐसा संत कबो देखली ना। बाबा का हाथ जोड़ करके अपने दरबार में जब ले गल हुए सत्कार करे का कोशिश कैलन है और तबले बाबा हंसल जब हंसल तो एगो बात कहल कौन बात कहल नमूना लगल बाबा का बात जब राजा सुन ले हुआ हो तो हाथ जोड़ के कहना ठीक बा बाबा आपके हम 3 लाख असर फी दे और 3 बात आप हमके बतावा कहना ठीक बा
तो तीन बात बाबा बतावा चलल हुआ, और जब बतावा चलल हुआ तो बिरहा में गुरु जी के तरज लग गई। वह गीत बजौल अरे डूबी मर बह ए रजऊ, अरे डूबी मर बह ए रजऊ, जई बजो पूर्व की देसावा, पहली बात राजा के बतावल चलल हुअन उ बाबा कवन बात बताऊ ले, छोड़ दी है रजाऊ, छोड़ दी है रजाऊ, फूल कैसे जरिया भोरो है, लोकन भूप पावनी नजरिया भोरवे, करी अवलोकन भूप पावनी नजरिया भोरवे, छोड़ दी है ए रजऊ, फूल कैसे जरिया भोरवे, पहली बात बताऊंगा कि अरे राजा ब्रह्म पहर में सेज त्याग देना, और त्याग करके करिहे का बाबा बताऊ ले, कालिंद तीर जाके समय बिताई है, जब बिहान भूप तब घर आई है, दूसरी बचन फिर बोला है पुजरिया भोरवे, दूसरी बचन फिर बोला है पुजरिया भोरवे, छोड़ दी है बाबा बतौल कि ब्रह्म पहर में सेज त्याग देना, और त्यागले के बाद में अय राजा भेष बदल ली है, और भेष बदल के जमुना नदी के किनारे जई है, और जब बिहान हो जाई राजा तब घरे वापस आवे के बाद। दूसर की बात बाबा बतौल, और जब बतौल तो बिरहा में गीत का नमूना लगल गुरुजी, वह गीत का लाइन बाप के रे कहीं होई है सड़क पर कि कहीं होई है सड़क पर, अरे लखता होई है कहीं होई है सड़क पर, चलल हुन कि बोले राजा से जोगी, बोले राजा से जोगी दूसर बतिया, बोले
दूसरी बात बाबा बताऊंगा कि ए राजा अतिथियों की सेवा करना। तीसरी बात बाबा बताऊं का बताऊं क्रोध मत करना। तीसर बात माना हो जाई विध्वंस तन मन खजाना। बात में बताऊं कि ए राजा क्रोध पर काबू रखना। इतनी बात बता के राजा के बाबा अदृश्य हो गए। तो यहां गुरुजी बिरहा के शैली में कवि भाव लिखत हुए। मानस मंदिर में जागी चेतना हो। मानस मंदिर में जागी मंदिर में जागी चेतना। अरे माया महल को त्यागा पागल मन बैरागी। अरे बैरागी अरे बैरागी साधु के सत मृदुल बैन से संतों की होती पहचान। भाव सागर से पार उतरना शिक्षा देता संत महान। गमन किए मथुरा से जोगी निज का या भई अंतर ध्यान। भूप हृदय में मची खलबली तीन वचन वेद है गुणवान। ब्रह्म पहर में चले भूप। अरे ब्रह्म पहर में चले भूप पहुंचे जमुना नदी किनार। रोवे सुंदर नार नवेली हृदय वेदना भई अपार। बाबा का बात सोचत हुआ राजा उदय सिंह सोचत हुआ कि बाबा 3 लाख स्वर्ण असर फिर लेके गयल हुए। अब बतिया सही बा कि झूठ बा। दिल में विश्वास हल्का हल्का ना होत बा। सोचत हुआ अब अजमावे के चाही। तब ब्रह्म पहर में नींद खुलल। अब बाबा के कहले के अनुसार राजा भेष बदल के जमुना नदी के किनारे जब पहुंचल हो तब पहुंचल है। तब देखल एगो अचरज कवन अचरज देखल बिरहा में गीत का नमूना लगल। मोरे सर से सरक जाता साड़ी किया जल्दी से धाला गाड़ी। सरे में दिन बीता वाला कही आले तकिया भारी। मोर सर से सरक जाता साड़ी किया जल्दी से धला गाड़ी। असरे में दिन बीता वाला कही आले तकिया भारी। होली मिलन के देह मिलनवा खोजता। होली मिलन के देह मिलनवा खोजता। राजा आजा घरे चौकी मिलनवा खोजता। राजा पहुंचल हुआ नदी के तीरे देखल का देखल कल पे एक नार भिनु सारे रोवे गोरी जमुना किनारे।
यारावा पहरेदार का भेष बनौले हुए और जब आवाज सुनलन है देखल कि एक सुंदर मेहरारू वही घाट पर बैठ के बिलाप करत बा, राजा हैरान हो गई। सोचत हुन कि अरे ई हमरे दरबार में ई हमरे राज में ई एकरे पर कौन ऐसन विपत्ति बा कि ई भोरो में आए के बिलाप करत बा। राजा पहुंचल हुए और जब राजा पहुंचल हुए आवाज दलन आ सुंदरी काहे रोते हो, कौन परेशानी बा। राजा उदय सिंह के दरबार में आज तक केहू के कौनो परेशानी ना भई, तोहके कौन दुख बा कि यही घाट पर बैठ के बिलाप करत हो। ऐ सुंदरी ई त शुभ संकेत ना बा। आंख में आंसू लेके उ सुंदरी बोलस ऐ पहरेदार, जानल चाहत हुआ कि हम काहे रोते पहरेदार। तो सुन विदेशिया के अंदर भाव कवि लिखत हुआ बड़ी ऊंची बात। अबला के रुआला से झर झर कालिंदी रो अखिया भइल जैसे सावनी बदरिया। सुन के आवाज भूप नारी के करीब अइले रुवला के पूछल नरेस तब जी करिया। जौने रजवा के राजा राज्य के जतन कैले होई है विनाश पूरा राज है नगरिया। काल बन के नागडसी राजा मरी जई है हो यह सोच उर में समय लिपी करिया। अय बाबू सुंदरी बतौलस कि जानल चाहत हुआ पहरेदार कि हम काहे रुवत है। जवन राज्य का इतना बड़ा स्थापना राजा उदय सिंह कैले हुए आज के 3 दिन बाद उनकर मृत्यु हो जाई। अय बाबू इतनी बतिया राजा सुनले हुए पैर तले जमीन खिसक गई। सोचे लगल कि आखिर कैसे इतना बड़ा अनहोनी कैसे होई। बतौलस कि एक सर्प आई और राजा के काट ले ही राजा ये दुनिया छोड़ के चल बसी है। अय बाबू राजा हैरान हो गईलन परेशान हो गईलन कि ऐसन कवन गलती कैली कि भगवान हमके इतनी बड़ा सजा दहलन। देखें बाबू हाथ जोड़ के विनती करत हूँ राजा उदय सिंह कि अय देवी, राजा उदय सिंह के जीवन का इतना बड़ा रहस्य जाने वाली आय हाय आखिर तू हऊ के राजा परिचय पूछत हुए। आज जब परिचय पूछलन है ये बिरहा में एक छेद तर्ज लग गई मास्टर जी। लागे
हाथ जोड़ के कहत उनकी, ए देवी अपन परिचय बतावा। परिचय बतौली कि यही राज्य का हम राज लक्ष्मी है, यह परिचय बतौली न। बाबा का बात सत्य मानते हुए राजा उदय सिंह महल की ओर चले हैं ए बाबू। और जब चलल हुए तो बिरहा में गीत लग गई, वह गीत बजावत हुन। गोरिया दिन भर कई के कटिया, गोरिया दिन भर कई के कटिया, गोरिया दिन भर कई के कटिया, लेके हतवा में सिलवटिया पीसा अंगना मसाला ना। परम सम्मानित आप हमारे नई बाजार के धरती से चंद्रशेखर नेताजी के तरफ से 5000 रुपए का पुरस्कार, चरणों में कोटि कोटि सम्मान है। राम दुलारी इंटर कॉलेज नई बाजार प्रधानाचार्य चंद्रशेखर यादव बागी छात्र नेता उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बा। भोलेनाथ इंटर कॉलेज खलेर खजौरा धीना चंदौली, आप वहां के प्रबंधक हुए परमानंद यादव, ये आपके तरफ से 5000 का कोटि कोटि सम्मान बा। ये देखें मां मनसा हॉस्पिटल कमालपुर डॉक्टर संतोष यादव 2000 का आपके तरफ से इनाम बा, कोटि कोटि प्रणाम है भाई राजेश यादव, धन्यवाद। बिरहा में कवि भाव लिखत हुआ बड़ी ऊंची बात, सुन के राजे सिरी के बतिया, सुन के राजे सिरी के बतिया, सुन के राजे सिरी के बतिया, फाटन लगी भूप के छतिया, रतिया अइले भवनवाना। जनवा जई है सुंदर युक्ति एक लगाए, राजा बिटिया को अपने बनाए, मनवा सोचैली चंपा बिटिया, मनवा सोचैली चंपा बिटिया, बाउर भैली पिता के मतिया, रतिया अइले भवनवाना। बाबू सुंदरी का बात सुनने के बाद राजा महल की ओर चले हैं, सोचा चलत हुए कि 3 दिन के बाद नाग काट ले ही हम तो मर जाब, इतना बड़ा राज्य हमार चली कैसे। तब दिमाग में युक्ति आई, बेटा ना हुए राजा उदय सिंह के एक का बिटिया बा जौना का नाम बड़ा प्यार से चंपा रखले हुए। महल में पहुंचल हुए ए भैया, पहुंचले के बाद में अपने बिटिया चंपा के बोले हुए, कहना बिटिया ऐसा ऐसा बात बा, हमार मृत्यु 3 दिन के बाद में निश्चित बा। आंख में आंसू लेके उ बिटिया चंपा अपने पिता के समझावत है, ना बाबूजी ना ऐसा कदापि ना हो सकला, अरे आज तक केहू का तू विश्वास ना कैला, आ ई संत जोगी का तू विश्वास करेले हुआ,
ऐसा कदापि ना हो सकला। लेकिन ए बाबू राजा समझाओ थुनकी ना बिटिया, उ संत ऐसा रहले ऐसा रहले कि उनके देखी के हमके समझ में आ गई कि संत ना कौनो देव पुरुष हमारे नगरी में आयल हुन। गौर करेंगे, कहा जाता है कि गुरु की वाणी कभी असत्य नहीं हुआ करती। बाबा सोचलन कि अब बिटिया के अपने राजा बनौले के बाद राज घोषित कर दहलन, राजा बना दहलन बिटिया के। आ सोचत हुन बाबा का दूसर की बात कि अतिथि की सेवा। पहली बात राजा सोचलन कि पहली बात मल्ली ते इतना बड़ा जीवन का रहस्य मिलल, तो दूसर की बात अजमावे के चाही। बाबा का बात दूसर की माने का इच्छा मन में रखते हुए राजा उदय सिंह अतिथि की सेवा में लग गईलन। सोचे लगलन कि नागो तो हमार अतिथि है बा, ते ओकरे सेवा में जहां तक राजा उदय सिंह का ए बाबू निगाह गईल बा तहां तक फूल का रास्ता बनवले हुए और वही रास्ता पर दूध लावा का व्यवस्था कैले हुए, अपने कक्ष तक फूल का रास्ता बनवले हुए। एहवर नाग चलल है, और जब नाग चलल है गुरुजी तब पहबट के अंदर भाव कवि लिखत हुए कैसे। राजा के काटे बदे तब अरे फुफुकारत वह नाग भयंकर महल के अंदर आया हो, खान पान सम्मान सकल सब अपने हित में पाया हो। सुमन सुगंधित देता गंध बिखेरी रहन अंधेरी में, बड़ा काल विस्मय में हो गई देरी रहन अंधेरी में। नाग फुफकारत चलल बा वही फूल पर लोटत पोटत दूध लावा खाद पियत। उ नाग जब चलल है राजा के कक्ष तक नाग पहुंचल है भैया, राजा खड़ा हो गईलन हाथ जोड़ के। राजा उ नाग से कहलन ए नाग देवता, राजा उदय सिंह के दरबार में आपका स्वागत बा। इतना बतिया जब नाग सुनलस तो सोचे लगल का सोचलस, आल्हा के निर्भाव कभी लिखत हुन। राजा का नमक खैला के बाद में उ नाग सोचे लगल कि काजनी कवन कर्म खराब कैली कि हमके नाग योनी मिलल। आज इतना बड़ा धर्मात्मा राजा के अगर हम डस ले तो ये जीवन एकदम माटी में मिल जाई। जेकर नमक खैले हैं ओकरे संगे नमक हरामी ना बल्कि नमक हलाली करब। ऐ बाबू नाग यही सोचत बाम, सोचत अंत में सोच लिया कि राजा का प्राण नहीं जाएगा बल्कि मैं अपना प्राण दूंगा। यह सोच के
सर पटक पटक के आपन उ नाग वही चौखट पर दम तोड़ दहलस। आय हाय बाबू गौर करेंगे खुशी का ठिकाना ना हो। राजा सोचत हुन की बारे मालिक सेवा कैली त जीवन दान मिलल। ई बतिया रानी के सुनाओ बदे जब राजा चलल हुए और जब चलल हुए त कवि लिखत हुन का मर्दाना भेष में चलावे के परी। यह बात बतौले हुए और जब जीवन दान मिलल है उ नाग से जब महल के अंदर रानी कक्ष में पहुंचल हुआ हो और जब पहुंचलन है तो देखलन है कि रानी एक नौजवान से गले मिलत हैं। राजा सोच में पड़ गई ना कि हई देखा तमाशा अब ही हम जिंदा है और रानी का इतना बड़ा चरित्र बा कई कैसे राज चली हमार। खींच लेते हैं तलवार म्यान से रानी। तबले इतना बतिया सुन ले हैं रानी उ नौजवान जब सर राजा की ओर घुमौलस है और तबले ए बाबू देखले राजा की अरे ई तो हमार पिटिया चंपा है। क्रोध पर विजय रख के राजा रानी से संकेत कैलन कि बारे मालिक आज क्रोध पर विजय हम ना पौले हुई तो तुहार गर्दन हमरे बिटिया चंपा का गर्दन अलग हो गए हो। ए बाबू आह्वान करत हूँ कि बारे मलिकार इतना बड़ा हमरे जीवन के ज्ञान देवे वाला मालिक एक बार दर्शन अगर मिल जात तो हमारी जीवन तर जात मालिक। ए भैया रुवत हुआ लोग और तबले वह आवाज बाबा के एक बार फिर जवन की पहली आवाज गूंजल बा नगरी में। ए भैया बता दे कि वो आवाज जब सुन ले हुए राजा तीनों जाना दौड़ की जाए के जब बाहर दिखले हुए तो वह आवाज वह तन और वह तेज बाबा के देख के पहचान गई लें और जब पहचान गए हुए हो कहने बारे मालिक आपका दर्शन मिलल एक बार फिर हमार तारन तार हो गए। तय आपके बताए दही कि वो संत शिरोमणि का आवाज के कर रहल फिर हमें कभी लिखत हुआ आखिरी प्रमाण में कि आखिरकार उस संत रहल के बाबा बतौले का बतौले आवाज संत शिरोमणि बाबा किनाराम की थी।
समझौलें बाबा, कहलें कि अय राजा, जौने मकसद से हम आए लली हैं उ हमार बात तीन वचन तोहरे जीवन के तार तार कर दहलस। बाबा बतौलें का बतौलें कि चमत्कार हो गया महल में। अरे बाबा ने फरमाया तीन बात के लिए हल्की मत राजा को लौटाया। तो पावन भैले भूप के चमत्कार हो गल राजा। ई सोन असरफी जवन तो से हम ले ले रली हैं ई हमार उद्देश्य ना रहल, तो के रास्ता दिखावे बदे हम ई रचले रली हैं, लेकिन ई तोहरे जैसा राजा के शोभित करे ले। असरफी दे के बाबा बतौले का बतौले, अरे संतों के सेवा के फल से चलता है संसार, चरण पादुका चूमा राजा लिए सकल परिवार। खाली कैले कुल जोगिया राजा के दिमाग घूमल लगले अपन दान पुण्य करे। ए बाबू अंतिम बात बाबा बतौले कि ए राजा संसार से कुछ जाने वाला नहीं है, क्या जाएगा? अरे दान धर्म कायम रह जाए है, कुछ ना संग में जाई, साधु संतों की करो साधना बाबा गया चताई, प्रकृति गाए गुण जहानवा के नारम जोगी। यह बाबा बताऊं कि दान धर्म यह कायम रही राजन, इसलिए सेवा करो। बाबा किनाराम आपको बता दही कि उत्तर प्रदेश में जिला चंदौली के अंतर्गत चहनिया ब्लॉक ग्राम रामगढ़ की पावन पवित्र प्रांगण में बाबा का जन्मभूमि तपोभूमि धर्म स्थल आज बतावल जाला कि बाबा का चमत्कारी कुआं जेके बाबा अपने हाथ से बनौले हुए। आप बतावल जाला कि वो कुआं का चार घाट बा, ओकर चार घाट का पानी अलग अलग बा। ई बाबा का चमत्कार आज भी रामगढ़ में बा। ए बाबू तब बाबा बताऊं आखिरी बात में कि दान धर्म का यम रह जाई है, अरे कुछ ना संग में जाई, साधु संतों की करो साधना बाबा गए चताई, प्रकृति गाए गुण जहानवा के नारम जोगी। हजारों हजारों की संख्या में लोग आते हैं बाबा किनाराम के धाम पर, तमाम अपन मन वांछित फल पावल है। ए भैया गुरु बिहारी गुरु गणेश